आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के सिंधी धर्मशाला काला महल, जो कि पिछले 6 दिनों से वृंदावन धाम बना हुआ है, पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह हुआ। भागवत कथा के व्यास पीठ पर कथावाचिका पूज्य पंडित गरबा किशोरी जी ने पंचम अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय है, उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भावपार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। किशोरी जी ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा, जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उस समय शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। किशोरी जी ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा, जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। उन्हें कहा कि आस्था और विश्वास के साथ भागवत प्राप्ति आवश्यक है। भागवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। पंडित गरबा किशोरी जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। इस दौरान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। कथा मंडप में मुख्य रूप से परिचित अमरलाल कटारिया एवं मीना कटारिया, दीदी भगवंती साज नानी, जीतू धर्माणी, विकास जेठवानी, पंडित बंटी महाराज, सूर्य प्रकाश ईश्वर दास वानी, प्रदीप बनवारी, विनोद श्याम भोजवानी, नंदलाल आयलानी, श्याम मोहनानी, भोजराज लालवानी, अमरलाल फुरेजा, लाल मोटवानी, वंशिका धमानी, कृति मदनानी, दिलीप बघेल, दीप्ति ज्ञान चंदानी, चांदी सिखा शर्मा, रानो सीमा पुरुषवानी, कोमल कामिनी शर्मा, सपना छाबड़ा, धीरज हासनी, सोमिया मनीष, विजय बाबूलाल, तुलजाराम आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से न्यूज 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। राधे राधे। सिंधी धर्मशाला आगरा में कथा का वाचन हो रहा है गरिमा किशोरी जी के उनके मन से। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा लगता है कि साथ साथ आपकी शब्दों को पढ़ने नहीं है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और जहाँ भी किशोरी जी के होते ऐसा लगता है कि उनसे कथा ले रही हूँ। आनंद की इतनी ज्यादा वो है कि शब्द खत्म हो जाते हैं। आज मैं यही कहूंगी कि जहाँ भी होती है मैं हर जगह पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। जय श्री राधे। आज ये काला मेले 5-5 दिन है भागवत का और भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे आरती भी होती है, किसी ने गोली उठा है जो बहुत सब लोग दर्शन के लिए भक्ति जन सब आनंद ले रहे हैं। इसका बहुत अच्छी कथावाचक गरिमा जी हमारे यहाँ आकर हमें धन्य कर दिया इस आयोजन को करके। पांचवें दिन रहा कैसा रहा बताइए। बहुत अद्भुत,
जो लीला रखी है बहुत अद्भुत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।